गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ केसिस एंड मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जिसे मैं आपको एक्सरसाइज 19.7 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो ध्यान से देखिए, सारे प्रश्नों को आसानी से आप बना लेंगे। चलिए बिना समय गवाए हम लोग केसिस एंड मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 19.7 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन इस वीडियो में देख लेते हैं, जो कि इंटीग्रेशन है। काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है, आप जरूर अच्छा से बनाइए, क्योंकि इस चैप्टर से परीक्षा में प्रश्न पूछता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं एक्सरसाइज 19.7 के सभी प्रश्नों का सोल्यूशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 19.7, इसके पहले मैं 19.6 तक बता चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं 19.7। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन है कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स इंटू डीएक्स। इसमें देखना होता है कि प्रत्येक क्वेश्चन का दो पार्ट होता है, किसी एक भाग को यदि आप मानते हैं तो दूसरा भाग आ जाता है डिफ्रेंसिएशन करने के बाद। तो यदि हम यहाँ रूट एक्स को जेड मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, तो जेड का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, डी जेड हो गया, और रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। इसको क्रॉस कर देंगे तो 2 dz = 1/√x इंटू डी एक्स हो गया। इसको इक्वेशन एक मान लेंगे। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन यहाँ लिखा गया है कॉस रूट एक्स बटा रूट एक्स डी एक्स। यहाँ डी एक्स इंटू डी एक्स बटा रूट एक्स, इसका मान क्या हो जाएगा, डी जेड समीकरण एक से, और कॉस रूट एक्स का मान क्या रखेंगे, जेड। तो कॉस जेड इंटू 2z हो गया, 2z हो गया, और 2 को बाहर ले लेंगे तो कॉस जेड इंटू डी जेड। कॉस जेड का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन जेड प्लस सी, और जेड का वैल्यू रख दिए रूट एक्स, तो रख दिए तो 2 sin रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ देखना है कि एक पार्ट को मानने के बाद उसका डिफ्रेंस करने से दूसरा पार्ट आ जाएगा। अगला है इंटीग्रेशन 1/x² इंटू साइन 1/x इंटू डी एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे, 1/x² दिया है, तो हम अगर 1/x को मानते हैं तो उसका अवकलन -1/x² हो जाएगा। तो मान लिया z = 1/x, डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो z का हो जाएगा dz बराबर हो गया -1/x² इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इस माइनस को इधर ले लीजिए तो -dz = 1/x² इंटू डी एक्स, इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन यहाँ हमने लिखा 1/x² साइन 1/x इंटू डी एक्स। 1/x² को dx के साथ रखेंगे, dx के साथ साइन 1/x इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, तो साइन 1/x का मान क्या रखेंगे, यहाँ से z रख दिए, और 1/x² इंटू डी एक्स का मान आ गया -dz, माइनस को बाहर ले लिए तो साइन जेड इंटू डी जेड आ गया। तो यहाँ आ गया साइन जेड का वैल्यू जो हो गया कॉस जेड हो गया इंटीग्रेशन और प्लस सी, तो कॉस जेड प्लस सी, जेड का वैल्यू रख दिया 1/x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर इंटीग्रेशन 1/x² कॉस 1/x इंटू डी एक्स। सेम पहले की तरह दिया हुआ है, तो 1/x को क्या करें, हम मान लिए जेड मान लिए, तो जेड का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, dz हो गया, और 1/x का हो गया -1/x², माइनस को इधर ले लेंगे तो -dz = 1/x² इंटू dz, इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। अब फिर से क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा 1/x² cos 1/x इंटू dx। ठीक है, cos को इधर ले लीजिए और 1/x² को dx के साथ रखते हैं, इसको क्वेश्चन में डाल देते हैं। इसके बाद 1/x का वैल्यू हो गया जेड, और 1/x² dz का वैल्यू हो गया -dz, रख दिए, माइनस को बाहर ले लेंगे, कॉस जेड का इंटीग्रेशन हो गया साइन जेड और प्लस सी, साइन जेड प्लस सी, जेड का वैल्यू रखिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन e^x cos e^x प्लस 2 दिया गया है। तो देखिए, हम e^x प्लस 2 को जेड मानेंगे, z = e^x प्लस 2, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जेड का हो जाएगा dz, e^x का e^x ही रहेगा, और 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो dz = e^x dx हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और फिर से क्वेश्चन को यहाँ लिखा गया e^x cos e^x प्लस 2, इसको इधर रखते हैं और e^x dx को एक साथ रख लेते हैं, इसका मान z रख देंगे cos z, और इसका मान हो गया
डी जेड, कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन अ प्लस सी, यही हो गया आपका आंसर। अब जेड का वैल्यू रख लीजिए। अगला क्वेश्चन है पांचवा, साइन रूट एक्स प्लस वन बटा रूट एक्स प्लस वन, तो यहाँ क्या करेंगे रूट एक्स प्लस वन को जेड मानेंगे, जेड इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन, जब डिफ्रेंसिएट करेंगे तो जेड का हो गया डी जेड और रूट एक्स प्लस वन का हो गया वन बाई टू रूट एक्स प्लस वन, टू क्रॉस करने के बाद टू डी जेड इक्वल टू वन बाई रूट एक्स प्लस वन, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ देखिए नाउ सॉरी, तो साइन एक्स प्लस वन का हो गया जेड, तो साइन जेड हो गया डी एक्स बटा एक्स प्लस वन, यहाँ देखिए वैल्यू इक्वेशन वन में लिखा हुआ है डी जेड, तो हमने यहाँ क्या किया रख दिया डी जेड। ठीक है, टू डी जेड है, टू है, टू को बाहर ले लिए तो साइन जेड इंटू डी जेड हो गया, टू जेड रहोगा साइन का क्या हो गया माइनस कॉस हो गया प्लस सी, और जेड का वैल्यू रख देंगे आपका यही आंसर हो गया। अगला दिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू सेक एक्स क्यू इंटू डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ एक्स क्यू को जेड माने, जेड इक्वल टू एक्स क्यू, डिफ्रेंशिएट किया तो डी जेड इक्वल टू हो गया थ्री एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, थ्री से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू आ गया कितना डी जेड बाई थ्री, इक्वेशन वन मान लेंगे। नाउ क्वेश्चन हो गया यहाँ एक्स स्क्वायर शेक एक्स क्यू इंटू डी एक्स, तो एक्स क्यू डी एक्स को इधर रखते हैं और एक्स स्क्वायर को डी एक्स के साथ रखिए। ठीक है, तो एक्स क्यू के स्थान पर जेड आ गया, एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान हो गया डी जेड बाई थ्री हो गया, थ्री को बाहर लीजिए तो वन बाई थ्री इंटीग्रेशन सेक जेड इंटू डी जेड, सेक जेड का इंटीग्रेशन हो गया लॉग सेक जेड प्लस टेन जेड, जेड का वैल्यू रख देंगे एक्स क्यू, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है इंटीग्रेशन वन बटा इंटीग्रेशन एक्स के पावर वन बाई थ्री इंटू साइन एक्स के पावर फोर बाई थ्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ मान लेंगे एक्स के पावर फोर बाई थ्री को जेड, जेड इक्वल टू एक्स के पावर फोर बाई थ्री, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जेड का हो गया डी जेड, एक्स के पावर फोर बाई थ्री का हो गया फोर बाई थ्री, एक्स के पावर फोर बाई थ्री माइनस वन करेंगे तो एक्स के पावर वन बाई थ्री आ जाएगा, इसको क्रॉस करेंगे तो थ्री बाई फोर इधर आ जाएगा, थ्री बाई फोर आ गया, इसको इक्वेशन वन मान लीजिए। ठीक है, और नाउ क्वेश्चन को लिखिए, ये क्वेश्चन आ गया यहाँ, अब एक्स के पावर साइन एक्स के पावर फोर बाई थ्री को इधर रखते हैं और एक्स के पावर वन बाई थ्री इंटू डी एक्स को एक साथ रख लिए और एक्स के फोर बाई थ्री को जेड कर देंगे, इसका मान हो गया थ्री बाई फोर इंटू डी जेड, थ्री बाई फोर को बाहर ले लिए, साइन जेड का हो गया माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस हो गया इंटीग्रेशन और प्लस सी जोड़ दिया। ठीक है, और जेड का यहाँ वैल्यू रख देंगे, यह हो गया आपका आंसर। अगला दिया इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉस एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, तो यहाँ क्या करेंगे जितना इक्वेशन जो दिया गया है इसको जेड मान लेंगे, इसको जेड मान लिए, जेड माने तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करने पर जेड का हो गया डी जेड, एक्स क्यू का हो गया थ्री एक्स स्क्वायर और थ्री एक्स का हो गया थ्री और टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थ्री कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया इंटू डी एक्स, थ्री से डिवाइड हो गया तो डी जेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन, इक्वेशन वन हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉस एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स, इसको इधर रखते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस वन को डी एक्स के साथ रख लिया। ठीक, और एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस टू का वैल्यू जेड हो गया तो कॉस जेड हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो गया डी जेड बाई थ्री, वन बाई थ्री इधर आ जाएगा, कॉस जेड का साइन जेड हो गया इंटीग्रेशन और जेड का वैल्यू रख दिया, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉस लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ हम क्या करेंगे लॉग एक्स को जेड मानेंगे, लेट जेड इक्वल टू लॉग एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे डी जेड इक्वल टू वन बटा एक्स इंटू डी एक्स हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कॉस लॉग एक्स का मान हो गया जेड, वन बटा एक्स डी एक्स का मान क्या हो गया डी जेड हो गया, कॉस का हो गया साइन जेड अ प्लस सी, जेड का वैल्यू रख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, सेम पहले की तरह बनाइए, जेड इक्वल टू लॉग एक्स मान लेंगे, जेड का वैल्यू क्या हो गया डी जेड हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने पर इसका अवकलन कर लिए और लॉग एक्स का वन बटा एक्स इंटू एक्स इक्वेशन वन मान लेंगे। सेक स्क्वायर क्वेश्चन हो गया लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, तो सेक स्क्वायर हो गया लॉग एक्स का वैल्यू क्या हो गया जेड रख दिया जेड और डी एक्स बटा एक्स इसका वैल्यू क्या हो गया डी जेड, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन जेड और प्लस सी, जेड का वैल्यू क्या हो गया लॉग एक्स, ये हो गया आंसर। अगला भी साइन टू प्लस थ्री लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ टू प्लस थ्री लॉग एक्स को जेड मानेंगे, लेट जेड इक्वल टू प्लस थ्री लॉग एक्स, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जेड का डी जेड हो जाएगा, टू का जीरो और थ्री लॉग एक्स का हो गया वन बटा एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बटा एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू निकलेगा डी जेड बाई थ्री, क्वेश्चन वन मान लेंगे। अब क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन हो गया इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जेड, तो हमने रख दिया जेड तो साइन जेड और डी एक्स बटा एक्स का वैल्यू हो गया डी जेड बटा थ्री। ठीक है,
अब यहाँ 1/3 बाहर ले लेंगे, साइन जेड का इंटीग्रेशन हो गया कॉस जेड, और जेड का वैल्यू यहाँ रख लेंगे। ठीक, अगला दिया है टेन रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ क्या कीजिए, देखिए यहाँ मान लेंगे जेड इक्वल टू टेन रूट एक्स, जेड इक्वल टू मान लीजिए टेन रूट एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो जेड का हो जाएगा टी डी जेड, और टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का हो गया 1/2 रूट एक्स। क्रॉस कर लेंगे तो सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू निकल गया 2z। यहाँ 10 का होता है सेक स्क्वायर डिफ्रेंसिएशन, और रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, फिर क्वेश्चन को लिखते हैं। अब यहाँ एक मल्टीपल है 10 रूट एक्स का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ 10 रूट एक्स का वैल्यू हम माने हुए z हो गया, और इसका मान निकल गया है देखिए समीकरण एक में 2dz, 2 को बाहर लेंगे, z का हो गया जेड स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा जेड स्क्वायर प्लस सी। जेड का वैल्यू रखेंगे, जेड का वैल्यू रखेंगे तो टेन स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/x कॉस स्क्वायर लॉग एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, सेम पहले की तरह लॉग एक्स को जेड मानिए, जेड इक्वल टू लॉग एक्स, तो जेड का डिफ्रेंसिएशन डी जेड हो जाएगा, और लॉग एक्स का 1/x, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब क्वेश्चन को हम लिखे, क्वेश्चन आ गया या 1/x को डी एक्स के साथ रख लेंगे, और कॉस ऊपर गया तो क्या हो गया सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर लॉग एक्स, तो सेक स्क्वायर लॉग एक्स का जेड हो गया, तो सेक स्क्वायर जेड, और डी एक्स बाई एक्स का वैल्यू हो गया डी जेड। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया 10x 10z प्लस सी, जेड का वैल्यू रख लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स 10e के पावर एक्स इंटू सेक ई के पावर एक्स डी एक्स। तो सेम पहले की तरह ई के पावर एक्स को जेड मान लीजिए, तो जेड का डिफ्रेंसिएशन डी जेड हो जाएगा, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स इंटर होता है इंटू डी एक्स हो जाएगा, इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन को क्वेश्चन को हमने लिखा यहाँ ई के पावर एक्स को डी एक्स के साथ रखिए, अब बाकी सबको एक साथ रखते हैं। ठीक है, तो इसका वैल्यू जेड हो गया सेक जेड इंटू 10z इंटू डी जेड, इसका वैल्यू डी जेड हो गया, तो सेक एक्स इंटू 10x का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन हो गया सेक जेड प्लस सी, जेड का वैल्यू रख लेंगे, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है सेक स्क्वायर रूट ओवर एक्स प्लस 1/√x + 1 इंटू डी एक्स। तो मान लेंगे यहाँ रूट एक्स प्लस 1 को जेड, रूट एक्स प्लस 1 को क्या किया जेड मान लिया, तो जेड का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया डी जेड, और रूट एक्स प्लस 1 का हो गया 1/√x + 1, 2 क्रॉस कर देंगे तो 2dz इक्वल टू 1/√x + 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर नाउ क्वेश्चन को लिखे सेक स्क्वायर इसका वैल्यू क्या हो गया z, और dz/√x + 1 का वैल्यू हो गया 2dz, 2 को बाहर लेंगे सेक स्क्वायर z इंटू dz हो गया, 2z² x का क्या हो गया 10z + c हो गया c, यहाँ z का वैल्यू रख देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2x इंटू साइन x² + 1। तो यहाँ x² + 1 को z मान लिए, z इक्वल टू x² + 1, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो z का हो गया dz, और x² का हो गया 2x, और 1 का हो जाएगा 0, तो 2x इंटू dx इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। फिर नाउ क्वेश्चन को लिखिए 2x साइन x² + 1, साइन x² + 1 को इधर रखते हैं, 2x dx के साथ चला गया, इसका वैल्यू z हो गया, और 2x dx का मान आ गया z। ठीक है, साइन का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन माइनस कॉस जेड हो गया, अब प्लस सी, जेड का वैल्यू रख दिया x² + 1, ये आपका आंसर हो गया। ओके, 17 है इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स डी एक्स। तो यहाँ क्या करेंगे, कॉस एक्स को जेड मानिए, कॉस एक्स को मान लिया जेड, तो जेड का डिफ्रेंसिएशन हो गया डी जेड, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन हो गया साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, फिर से क्वेश्चन लिखते हैं, यहाँ आ गया, इसको इस साइड में रखते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ गया, और साइन को डी एक्स के साथ रखते हैं, साइन एक्स इंटू डी एक्स, या कॉस जेड का कॉस एक्स का वैल्यू हो गया जेड, और साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू हो गया माइनस डी जेड। ठीक है, माइनस को बराबर के इधर लाते हैं तो साइन जेड इंटू डी जेड, साइन का वैल्यू क्या हो गया कॉस, और कॉस हो गया साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो गया, और जेड का वैल्यू रखती है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला है ई के पावर एक्स 1+x/sin² x इंटू ई के पावर एक्स। तो यहाँ क्या कीजिए, एक्स ई के पावर एक्स को जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जेड का हो गया डी जेड, और एक्स ई के पावर एक्स का हो गया यू गुना भी के सूत्र पर लागू करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स होता है, तो यहाँ डी जेड बराबर हो गया डी एक्स बाई, यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, आप ऐसे भी बना सकते थे, देखिए डी जेड हो गया, और इसको यू गुना भी करते हैं तो डी एक्स बाई डी एक्स
इंटू क्या होगा, ई के पावर एक्स प्लस एक्स प्लस ई डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। ई गुना भी फॉर्मूला आपको याद होगा, और ई के पावर यहाँ जैसे डिफ्रेंशिएट किए तो ई के पावर एक्स इंटू एक्स ई के पावर एक्स आ गया। इसमें से ई के पावर एक्स कॉमन निकाल लीजिए और इसको समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है, समीकरण एक मान लिया। फिर नाउ क्वेश्चन को लिखे मैंने ई के पावर एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ क्या हो गया, ई के पावर एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स का मान क्या हो गया, डी जेड हो गया, और इसको हमने जेड माना तो साइन स्क्वायर जेड हो गया, साइन ऊपर गया तो कोसेक स्क्वायर जेड हो गया, कोसेक का माइनस कॉट एक्स प्लस प्लस सी हो गया, और यहाँ जेड का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। इसको यू गुना भी पर डिफ्रेंशिएट किया गया है, देख लीजिए, यदि आपको डिफ्रेंशिएशन नहीं आता है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को देख लेंगे, ओके। अगला दिया है कॉस रूट ओवर एक्स माइनस थ्री बटा रूट एक्स, तो हम क्या करेंगे, रूट एक्स माइनस थ्री को क्या करें, जेड मान लिए, जेड का डिफ्रेंशिएशन डीजेड हो गया, और रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स हो गया डिफ्रेंशिएशन, और थ्री का जीरो हो गया, क्रॉस कर दिए तो आ गया वन बाई रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू टू डेज टू डीजेड, इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। नाउ क्वेश्चन को लिखते हैं, कॉस रूट एक्स माइनस थ्री को क्या रखें, जेड, इसका वैल्यू आ गया टू डीजेड, टू डीजेड टू को बाहर कर लिए, टू बाहर आ गया तो कॉस जेड इंटू डीजेड आ गया, कॉस जेड का इंटीग्रेशन हो गया साइन जेड, और जेड का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अगला दिया है सेक स्क्वायर टू प्लस लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, तो यहाँ क्या कीजिए, टू प्लस लॉग एक्स को जेड मान लेते हैं, जेड का हो जाएगा डी जेड, ठीक है, और टू का जीरो हो जाएगा, और लॉग एक्स का वन बटा एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का वन बटा एक्स होगा, इसको देख लीजिए ध्यान से, यहाँ डी जेड हो गया, डी जेड बराबर जीरो प्लस वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, तो डी जेड का वैल्यू हो जाएगा वन बटा एक्स इंटू डी एक्स, समीकरण एक मान लेंगे, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन को लिखे सेक स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या हो गया, जेड जेड, और वन बटा एक्स डी एक्स का वैल्यू हो गया डी जेड, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया टेन एक्स प्लस सी, और यहाँ जेड का वैल्यू रख देंगे, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कॉस रूट ओवर एक्स प्लस बी बटा रूट ओवर एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, तो यहाँ एक्स प्लस बी को जेड मान लिए, जेड का डिफ्रेंशिएशन डीजेड हो गया, और रूट डी एक्स प्लस बी का हो गया वन बाई टू रूट एक्स प्लस बी, और एक्स के गुणांक से गुना कर दिए, क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस करेंगे तो टू बाई ए इंटू डीजेड इक्वल टू वन बाई रूट रूट एक्स प्लस बी, इसको इस इक्वेशन वन मान लेंगे। क्वेश्चन को लिखते हैं, इसका वैल्यू जेड रख देंगे, जेड, और डी जेड बटा एक्स प्लस बी का वैल्यू हो गया टू बाई ए इंटू डीजेड, टू बाई ए को अचर राशि है, कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे, कॉस जेड इंटू डी जेड, कॉस जेड का साइन जेड हो गया प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, जेड का वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो नहीं समझ में आएगा आप लोग कॉमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है साइन क्यू थ्री प्लस टू लॉग एक्स बटा एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, तो थ्री प्लस टू लॉग एक्स को जेड मानिए, जेड इक्वल थ्री प्लस टू लॉग एक्स, जेड का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी जेड, ठीक है, और थ्री का जीरो हो जाएगा, और टू लॉग एक्स का हो गया टू बटा एक्स, ठीक, इसको क्रॉस कर लेंगे तो डी जेड बाई टू इक्वल टू वन बाई एक्स डी एक्स हो गया, इक्वेशन वन मान लीजिए, और क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है, तो साइन क्यू इसका वैल्यू जेड हो गया, सो साइन क्यू जेड, और डी जेड बटा टू हो गया, ठीक है, यहाँ वन बाई टू को बाहर ले लीजिए तो साइन क्यू जेड इंटू डी जेड हो गया, ठीक है, डी जेड हो गया, साइन क्यू का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला हो गया थ्री साइन जेड माइनस साइन थ्री जेड बटा फोर, ये फोर है बाहर लेते हैं वन बाई एट हो जाएगा, और सबका पार्ट बाई पार्ट इंटीग्रेशन कर लेंगे, पार्ट बाई पार्ट हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो थ्री बाई एट साइन जेड माइनस हो गया वन बाई एट साइन थ्री जेड डी जेड हो गया, ठीक है, अब यहाँ साइन क्या हो गया कॉस, यहाँ साइन का इंटीग्रेशन कॉस हो गया, यहाँ भी क्या हो गया कॉस हो गया कॉस थ्री, और एक्स गुणांक से हम भाग दे दिए, और सब जगह हम क्या करेंगे जेड का वैल्यू रख लेंगे, जेड का वैल्यू क्या करेंगे रख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जेड का वैल्यू रख लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगला है 23 नंबर साइन टेन इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो टेन इनवर्स एक्स को जेड मानिए, जेड इक्वल टेन इनवर्स एक्स मानिए, टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स यहाँ एक्स है, ठीक है, तो जेड का हो गया डी जेड, और टेन इनवर्स एक्स का हो गया वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो साइन और टेन इनवर्स एक्स एक्स का मान रख दिया जेड, वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी जेड हो गया, और साइन का कॉस जेड और प्लस हो गया सेड सी, जेड का वैल्यू रख देंगे, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है एक्स क्यू साइन टेन इनवर्स एक्स के पावर फोर बटा वन प्लस एक्स के पावर एट, तो यहाँ मान लीजिए टेन इनवर्स एक्स के पावर फोर को जेड मान लिए, जेड मान लिए, ठीक है, और जेड मानने के बाद आप क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट कर दें, तो जेड का डी जेड हो गया, और टेन इनवर्स एक्स का होता है वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स के पावर फोर का हो गया फोर एक्स क्यू हो गया, क्रॉस गुना कर लीजिए
तो डी जेड बटा फोर हो जाएगा एक्स क्यू वाई वन प्लस एक्स का प्रोडक्ट, इसको इक्वेशन दो मान लेते हैं। और क्वेश्चन नौ, क्वेश्चन लिखते हैं एक्स क्यू और इसको एक सफर एक्स क्यू बटा वन प्लस एक्स के पावर एट का मान क्या हो गया, यहाँ डी जेड बटा फोर, तो यहाँ रख दिया डी जेड बटा फोर, इसका मान क्या हो गया जेड रख दिया, तो साइन जेड वन बाई फोर को बाहर कर लिए, साइन जेड का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस जेड और जेड का वैल्यू यहाँ रख दिया। चलिए तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे 19.8, ठीक है। यदि इसमें आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और हम आपको उसका जवाब देंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।